दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूरों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अबे गधे की तरह होची होची क्या कर रहा है? अरे बुलंदाबाद में नारे लगा। गधा होगा तू, तू आ जाना, बहुत बुलंदाबाद है ना तेरी। एक तो खाली पेट हूँ, ऊपर से सुबह से चला रहा हूँ, तू आ जा, आ जा। अबे तेरे को खाने की पड़ी है? तुम लोग कुत्ते से माफी आपस में ही लड़ते रहोगे। अरे चुप कर बहुए। ए बंदर तू लगा रहे ऊपर? चुप, लगा रहा हूँ ना। हाँ चिल्ला। गधा मुर्दाबाद। अबे गधा नहीं, सुधा, सुधा भाई, सुधा मुर्दाबाद। आओ आओ, आ जाओ भैया, आओ आओ, सबको बड़ा पाव मिलेगा। आ जाओ आ जाओ, सुधा भाई, 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 सुधा भाई। कैसी आवाज़ है ये? कोनो बात नहीं है, वो कहा है कि अपने घर के सामने मैकेनिकवा जो है ना भूख हड़ताल पर बैठल है। कौन मैकेनिक? अरे वही जिसको तीन चार दिन पहले दीदी ला जूता से धुलाई करवाए थे। सुधा भाई, भास्कर टीवी वाला आगे। पहले वो हम दोनों का लाइव टेलीकास्ट करेंगे, फिर सुधा भाई हम दोनों का लाइव। अरे भास्कर टीवी वाले, लॉट ऑफ एक्सपोजर यार, पप्पू पास हो गया। पप्पू पास नहीं, पप्पू फेल हो जाएगा यार, हम दोनों फंस जाएंगे यार। अबे फंसेंगे हम लोग नहीं यार, फंसेगी अपनी चिड़िया। कौन चिड़िया? अपनी किरण, वो बंदूक वाली मैडम डॉन। ये ले पकड़ प्रेस। आप लोग सुधा भाई के घर के सामने भूख हड़ताल पर क्यों खड़े हैं? हाँ ये सुधा भाई है ना, ये अपने आपको समझते क्या है? और ये भूख हड़ताल और प्यार करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे गवर्नमेंट भी रोकेगी ना तो मैं रुकने नहीं दूंगा, सुधा भाई को छोड़ूंगा नहीं मैं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अरे यही तो प्रॉब्लम है मैडम, हमारा मतलब कोई समझता ही नहीं है। मैं और किरण हम एक दूसरे को 5 साल से प्यार करते हैं। अब इतनी बकवास मत कर, सच बोल रहा हूँ। आप और सुधा भाई की बहन क्या सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं? लैला मजनू की तरह। अरे इतनी मत छोड़। अरे सुधा भाई, 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 भाई ये अपने घर के सामने चिल्लम चिल्ली इसकी भैंस की पूंछ, आप कहें तो हम इसकी तंबू का बम्बू खड़वा दे अभी। हाँ अभी बहुत सारा प्रेस वाला, बाद में उठा के ले क्या था मामला। मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, बुढ़ापा आ गया भाई। पीटर गाड़ी ठीक हो जाता मैंने उठा दें। हे रब्बा, इतने सारे जंतु। सुधा भाई पानी सारा, पानी जान बचा। सुधा भाई सत्रीकाल। सत्रीकाल। असलिया जी चलने की बात पता चलेगा। गोली चलाने की जरूरत है जी, मैंने यकीन है असलिया जी। किधर है वो?
रब दिसो मैनु नहीं पता है जी। भाई ये सरदार ऐसे नहीं मानेगा, आप बोले तो। अगर पता चला कि तू इन लोगों के साथ है तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। भाई इसकी तो पानी के लिए हो गई। ले जा, उड़ा ऐसे ध्यान करा और उड़ा ऐसे। मेहरबानी, चल तारा इसको निकल, नहीं तो और कुछ निकल जाएगा। अबे ये देख, बड़े बनने के आसार, मेरी फोटो अभी से पेपर में छपने लगी है, ये देख। बेटा हाँ? ये बड़े बनने के आसार नहीं है, ये ऊपर जाने के आसार है। तू ऊपर निकल, मैं अपने गांव निकलता हूँ। अबे मानूस, तू गांव क्यों जा रहा है? ये सब देख के सुधा भाई तो छोड़, ये मैडम डॉनी हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अबे यार तू टेंशन काय को लेता है यार, अगर सुधा भाई ने अपने ऊपर उंगली भी उठाई ना तो उसकी सारी भाईगिरी निकाल दूंगा मैं। हाँ भाईगिरी निकाल, मैं यहाँ से निकलता हूँ। पप्पू वो भी क्या दिन थे जब मैं गैराज में बेबी के साथ मजे करता था। ना नौकरी रही ना छोकरी, ना ठिकाना रहा ना बजाना, ओली खुजाना। मैं चलता हूँ, ना जेब में चुन्नी रही कुछ भी। साले जेब में चुन्नी तक नहीं है, तूने इतनी महंगी ड्रिंक खरीदी कैसे? अबे यार खाली है यार, इतना बहुत प्यास लगी है मुझे। इतना बड़ा कड़का है तू, भिखारी है तू और प्रिंस बनने के ख्वाब देखता है। प्रिंस, प्रिंस मैं प्रिंस बन गया है? मैं प्रिंस बन गया। कैसे? ला ₹2 दे 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 दे। अबे ₹2 बचे आधे तू पकड़, आधे मैं रखूंगा। अबे देना यार, मुझे जरूरी फोन करना है, फोन करना है मुझे। इसको हेलो पप्पू है। अरे साला, एक तो वैसे ही भीख मांग मांग के पैसे जमा किए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। हेलो। हेलो, हाँ सरदार जी, हाँ हम पप्पू के। मैं सरदार जी नहीं, विशाखा बात कर रही हूँ। और पप्पू, पप्पू कोई इधर इधर काम नहीं करता। ओ इधर ले, मैं गाल करना। ओ जी पप्पू लुच्चा लफंगा इंसान है, बड़ा ही कटिया किस्म का इंसान है, मैंने उसको निकाल दिया, आगे से यहाँ फोन मत करना। अब सरदार जी एक्चुअली हम पप्पू के। मैंने कहा ना, मैंने उसको निकाल दिया। बाय द वे हमें पप्पू से नहीं सरदार तारा सिंह से बात करनी है। हाँ, मैं तारा सिंह बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? हम तिकड़मगढ़ के महाराजा तिकड़म सिंह बोल रहे हैं। तिकड़मगढ़ के महाराजा? बदतमीज बेवकूफ नामकूल सले, हम चाहे तो तुम्हें और तुम्हारे गैरेज को 5 मिनट में खरीद सकते हैं। 5 मिनट? और तुम जानते हो तुमने जिस पप्पू को गाली दी है वो पप्पू कौन है? कौन है जी? प्रिंस, प्रिंस ऑफ तिकड़मगढ़। आज से 5 साल पहले वो हमें छोड़कर चला गया था। तब से हम उसकी तलाश कर रहे हैं। और तुम जानते हो कि उसकी तलाश करने वाले पर हमने 50 लाख रुपए का इनाम रखा है। 50 लाख का? 50 लाख? और हमारी नजर में इनाम के हकदार आप हैं। मैं दादा, थैंक यू जी, थैंक यू। आप नहीं जानते सरदार जी कि हमारे प्रिंस की फोटो अखबार में देखकर हम और महारानी जी कितना खुश हुए हैं। हम प्रसन्न हो गए। ओ जी अखबार में फोटो छपवाने को मैंने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी, आप हमारी रियासत में आइए, हम आपको हीरे मोतियों के साथ तोल देंगे, हम आपको चाय के साथ सोने के बिस्किट भी खिलाएंगे और सोने का अंडा देने वाला मुर्गा भी खिलाएंगे। अब मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा जी। नहीं नहीं, आप अपने हार्ट को संभाल के रखिए, हमारी बात हमारे बेटे प्रिंस से करवाइए। ओ घूमने गया, अभी आने वाला है। ठीक है, हम 1 घंटे बाद फोन करते हैं। ओके, अच्छा सरदार जी, बाय बाय। अच्छा अच्छा जी। ओए 50 लाख, ओए रब्बा। मैं की कर बैठा। पापा जी, मेरे पापा जी क्या हो गया? हे भगवान बचाओ, मर गए पापा जी। ओए हट, ओए पापा जी, प्रिंस किधर है? मेरा कहना मतलब पप्पू किधर है? ढूंढ कर उसे। आप अच्छे हो? ओ बिल्लू, ओ बिल्लू पुत्र, बिल्लू बिल्लू देखो देखो पापा जी को क्या हो गया, मिर्गी हो गया। चुप कर मुर्गी, इधर आ मेरे कोल, इधर आ, इधर आ मेरे कोल। क्या बात है पापा जी, आज बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। प्रिंस कितने हैं? मतलब पप्पू कितने हैं? पप्पू
उसने आपको बोला नहीं वो आपके साथ काम नहीं करना चाहता? काम करने की क्या लोड है? ओ द प्रिंस है। आपको पता चल गया कि वो प्रिंस है? ओए तन पता सी? हाँ, मुझे आज ही सुबह पप्पू ने बताया कि वो प्रिंस है। और तू यहाँ ठंडा वंडा लेके आ जा। बै पुत्र बै, इधर बै। पापा जी कहाँ बैठू? मेरा मतलब है इधर बै, इधर बै। लिया लिया पप्पू, लिया ला ला। अब पी ले पप्पू की थी। ठंडा लेके आ पप्पू, ठंडे पर पाके ले आ। क्या बोल रहे हैं आप? पप्पू किसे है? प्रिंस। हाँ, ओए प्रिंस। बहुत दर्द हो रही है, दबाना। प्रिंस किथे है? प्रिंस किथे है? प्रिंस।